गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज शाम हो चुकी है ऑलरेडी। कल रात को मैंने, आज जो अपलोड करनी थी वीडियो, मैंने पूरी एडिट कर ली, पर मैंने वो मेमोरी कार्ड से फुटेज डिलीट कर दी और मैंने देखा नहीं कि वो मेरे फाइनल कट में पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। तो मैंने जो वीडियो एडिट की थी वहाँ से भी उड़ गया। सो अब मुझे लगता नहीं मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगी। पर इसमें मैंने क्या शूट किया था, इसमें मैंने शूट किया था कि कैसे मैम मेरे नेल्स करवाने के लिए गई थी, क्योंकि हम जाने वाले हैं वेकेशन पे जल्दी ही। एंड दूसरी चीज़ मैंने शूट की थी कि एक दिन मेरे हस्बैंड बाहर बारबेक्यू कर रहे थे और उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती ना जब इंडियन तंदूरी चिकन करते, तो हमारे नेबर्स आए, वो कह रहे कि ओ माय गॉड, तुम्हारा ये बारबेक्यू कितना अच्छा स्मेल कर रहा है, कितना अच्छा अरोमा आ रहा है। तो हस्बैंड ने कहा कि ओके ओके, आई विल सर्व यू। और उन्होंने ट्राई किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो भी फुटेज उड़ गई है सारी। एंड देन बिकॉज हम वेकेशन पे जाने वाले हैं और मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, क्योंकि मैं वर्गो हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की उस दिन, शॉपिंग की। ओके, सो हस्बैंड कर रहे हैं बारबेक्यू और वो हमारे प्यारे से नेबर है, उनके पास एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। एंड वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बारबेक्यू का खुशबू बहुत अच्छी है, ऐसे अपना नंबर देना कि हमें उबर कॉल करनी है तुम्हारे फूड के लिए। तो हस्बैंड कह रहे हैं डोंट वरी, मैं आपको देता हूँ वंस इट्स रेडी। तो या हस्बैंड की तंदूरी मैरिनेशन पॉपुलर हो रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो मैरिनेशन के लिए, मेरे इंस्टाग्राम पे है, जल्दी से देख लें। गेट योर ब्रेकफास्ट रेडी। इट्स हॉट गाइस। थैंक यू मम्मा। हिम्मत को मैं ब्रेकफास्ट दे के एंड हस्बैंड ने आज चाय बनाई थी, एंड उसके बाद मैं जा रही हूँ मेरे नेल्स करवाने के लिए। नेल्स को मैंने बिल्कुल काट लिया है। सो मैं जाने वाली हूँ मेरे नेल्स को एक्सटेंशन करवाने के लिए। लास्ट टाइम मैंने मेरे नेल एक्सटेंशन करवाए थे जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था, 2014 या 2013 में करवाए होंगे। ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद मैं मेरे नेल्स को करवाने के लिए जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है और हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली वेकेशन के लिए जाने वाले हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे नेल्स का चिंता ना रहे, क्योंकि ज़्यादातर मुझे होता है कि जब मेरे नेल्स नेल पेंट अच्छी तरह लगा रहे और ज़्यादा ना तो चिप हो जाता, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सो इसलिए मैंने सोचा है कि एक्सटेंशन करवाते हैं आज। होपफुली मुझे जगह मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट नहीं ली है मैंने, पर आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वैसे तो वेकेशन के लिए कोई खास मैं शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ, चीज़ें मेरे पास हैं बट ननी ननी सी चीज़ें, कोई टॉयलेट्रीज, कोई मेकअप या कुछ भी ना, वो मुझे इकट्ठा करना है आज। एंड मुझे मेरा प्रिस्क्रिप्शन पिक करने के लिए कॉस्को भी जाना है। सो आज मेरा सारा दिन इस काम पे जाने वाला है। बट ये जो नेल का सलून है, नेल सलून मेरे घर के पास ही है, सो सबसे पहले नेल्स करवाएंगे एंड उसके बाद आके हिम्मत को मैं सूप दूंगी। नेल हैंड कैसे अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी कर ली है। सो हिम्मत को सूप देंगे एंड देन विल गो फॉर मोर स्टाफ। सो स्टार्ट करते हैं आज हमारा प्लान। शायद मैं अपने पैरों के नेल्स को पे भी नेल पेंट करवाऊँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। लेट्स गो, दिस इज न्यू मी। वो एक्चुअली मुझे आपके साथ ना बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात भी करनी है, करते हैं बाद में। सो मैं पहुंच गई हूँ चप्पल पहन के। चप्पल मैंने क्यों पहनी है, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है? नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड हमारे यहाँ पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चप्पल मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने पैरों की भी सेवा करवा लूँ, हथों के लग गए लग गए, एंड शायद इस वजह से मुझे जल्दी वो टाइम दे देंगे। नेल कलर चूज़ करने की सिलेक्शन देखना ज़रा आप, इतना ज़्यादा रंग, इतने ज़्यादा रंग कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा चूज़ करें। और जो भी मैं चूज़ कर रही थी वो उनके पास है नहीं, और मेरे लिए बहुत मुश्किल है कोई ऐवे चिंगी मिंगी सा रंग लगवाना। देखना ये जो रंग मैंने चूज़ किया था नूड था, और कितना ब्राइट हॉट पिंक लग रहा है मेरे पैरों पे। इतना पड़ा लगा ना मुझे, घर आके मैंने चेंज किया, फिर मैंने जेल नेल्स करवाए, तो या वे बहुत मज़ेदार नहीं लग गए मुझे एक्चुअली। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये है काफ़ी समय के बाद का, लाइक 10 दिन। सो 10 दिन मैंने नेल्स की फिनिश अच्छी नहीं लगी। उस समय तो मुझे बहुत मज़ेदार एंड क्यूट एंड क्लीन लग रहा है, पर कुछ ही दिनों में ना क्रैक होने शुरू हो गई है। सो मुझे लगता है कि एक्रेलिक अच्छी ऑप्शन है जेल के मुकाबले। मैं जब आप करवाते हो तो जेल में काफ़ी शाइन आता है। अब मैं आ गई हूँ टिम हॉर्टन्स हिम्मत के लिए सूप पिक करने के लिए। सो हिम्मत के लिए सूप पिक करेंगे, और मैंने भी कुछ खाया नहीं है, पर मैं यहाँ से अपने लिए आइस कैप पीने वाली हूँ, क्योंकि वो नेल सैलून के अंदर हीटिंग इतनी ज़्यादा थी कि बहुत गर्मी लगी मुझे। मैं ठंडा पीना चाहती हूँ कुछ।
नेल्स कुछ इस तरह के लग रहे हैं. ओके, जो शेड भी मैं पिक करी थी, जैसे शेड मुझे पसंद है आपको पता, वो ऐसी वाला टॉपलेस बेयर फुट जैसे, वो उसके पास थे ही नहीं. सो मैंने पैरों पे जो शेड लगाया है वो मुझे पसंद नहीं है. पर या जो मैंने पिक किया था वो उस पर काफ़ी नूड लग रहा था, पर ये ऐसे हॉट पिंक लगना शुरू हो गया. पर या आई विश कि मैं नेल्स पे भी, पैरों के नेल्स पे भी यही वाला लगाती. सो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट. पर यार टाइम चला लेंगे. पर वो कह रही कि 3-4 हफ्ते के लिए रहेगा, क्योंकि मैंने शैलक नेल्स लगवाए, नेल पेंट लगवाया है. द अपडेट अबाउट नेल्स. हिम्मत के लिए सुप पिक करते हैं. और समय ऑलरेडी 1:45 होने वाले हैं, 1:40 हो गए हैं. सो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया. पर यार मेरी नहीं अपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी मुझे फिट इन कर लिया उन्होंने, एंड दैट्स गुड राइट. सो या दैट्स अपडेट अबाउट माई लाइफ एंड माई नेल्स. सो जो मैं लेने के लिए आई थी वो मुझे मिला नहीं है. सो बट या दो चीज़ें मिल गई. लेट्स गो नाउ नेक्स्ट. सो हमारी बुक, सो हमारी टिकट्स एंड एवरीथिंग बुक हो चुका है, और हम लोग मे बी 2 डेज में निकलने वाले हैं. और मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम है, और घर जाने से पहले मैं घर को भी क्लीन करके जाती हूँ. सो मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पैक करके लेके जाना है. सारे नहीं लेके जाऊँगी मैं, कुछ लेके जाऊँगी, पर मैं इन सबको क्लीन करने वाली हूँ. अपस्टेयर से मैं लॉन्ड्री भी लेके आई हूँ, जिसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी. एंड दो लोड नीचे भी हैं, एंड जो मैं ट्रैवल के लिए चीज़ें लेके जाना चाहती हूँ उसको भी मैं धो लूँगी. हस्बैंड के लिए और हिम्मत के लिए मैं नया सनस्क्रीन लेके आई हूँ. ये है बेबी बाम मिनरल 50 SPF, और 80 मिनट है वाटर रेजिस्टेंट. एंड मैंने ट्राई करके देखा है, इसका काफ़ी सफ़ेद सा दिखता है बॉडी पे, पर बॉडी के लिए ठीक है, आर्म्स एंड लेग्स के लिए. सो यस. एंड मेरे जैसा हस्बैंड के लिए ये वीकली दवाइयों का प्लानर, सप्लीमेंट्स का, वो लेके आई हूँ मैं. एंड ओके, ग्लव्स नहीं मिले मुझे. ब्रशेस को धोना भी टू मच वर्क है, पर उससे पहले मैं ये एरिया को क्लीन करके और डिशेस को डिश वॉशर में डाल दूँ. सो आज वाले दिन मैंने पैक किया है हमारे वेकेशन पे जाने के लिए, और आज मैंने ये वीडियो को भी शूट किया है, क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि मैं कैसे हमारे वेकेशन के लिए पैक करती हूँ. तो अराउंड 7:30 हो चुके हैं, एंड मैं ऑलमोस्ट पैकिंग के साथ डन हूँ, तो कुछ इस किस्म का लग रहा है. और मैंने वेट करके देख लिया है, वेट ओके है. अब 2-4 चीज़ें ऐड करनी है जो हमें सुबह यूज़ भी करनी है, उसके बाद हम रेडी हैं पैक. पर या ये आधा अधूरा सा व्लॉग देख के आई होप आपको अच्छा लगा होगा. जो मैं दिखाना चाहती थी बहुत ज़्यादा चीज़ें उड़ गई, और मुझे पता भी नहीं मैं क्या क्या बताना चाहती थी. पर या इस व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. बाय लालू.